हाय फ्रेंड्स, आजि आमे बिना बेकिंग पाउडर और बिना बेकिंग सोडा रे कड़ई रे बिस्कुट रे तैयारी केक बनेबा याकु बनेबा सिंपल आउ खाइबा रे बहुत टेस्टी। आपण ए रेसिपी को निश्चय शेयर करी अन्य मानको सिखांतु। तेबे चालंतु एबे आरंभ करिबा, किंतु ता पूर्वरु आपण मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु। सब्सक्राइब कला परे साइड रे थिबा बेल आइकन को नुवा रेसिपी पे क्लिक करंतु। ए चॉकलेट केक बने पे मोठारे 2 पैकेट चॉकलेट बिस्किट नेची। आपण मार्केट रे मिलुथिबा कोनोसी भी चॉकलेट बिस्किट नै परिबे। ता सहित मु एठारे दरकार मुताबक खीर रे आधा कप रु टिके अधिका खीर नैछि। ता सहित प्रथम रु मु एठारे चॉप करके अल्प टिके ड्राई फ्रूट्स रखिछि। ड्राई फ्रूट्स रे मु काजू बादाम आउ पिस्ता नैछि। ता सहित बेकिंग पाउडर आउ सोडा बदल रे मु एठारे इनो यूज करिछि। आ बढ़िया स्मेल दवा पे एठारे मु आधा चम्मच या फिर 3-4 ड्रॉप वैनिला एसेंस नैछि। प्रथमे मु एठारे गोटे बाउल रे सब बिस्किट काढ़ी नहींची। ये देखंतु मु एठारे बर्बन बिस्किट सहित अल्प किछि ओरियो बिस्किट भी नहींची। आपनको मार्केट रे जो बिस्किट मिलुची आपन ताकु यूज करि परिबे। एबे बिस्किट को गोटे ब्लेंडर रे आमे भल भाव रे फाइन पाउडर रे पिसि नबा। ये देखंतु पिसिला परे ये बढ़िया पाउडर हे जाइची। ए बिस्किट पाउडर को गोटे बाउल रे प्रथमे काढ़ी नबा। ये देखंतु ये बढ़िया भाव रे पाउडर हे जाइची। एबे ए पाउडर बिस्किट रे प्रथमे आमे धीरे धीरे करके खीर मिसेबा। आपण एकाथरे मिसांतुरी नहले ये बहुत ज्यादा पानिया हे जिवो। आपण स्टेप बाय स्टेप खीर पकाई बैटर को भल भाव रे मिक्स करि रुंतु। केक रो बैटर ना बेसी पतला आ ना बेसी गाढ़ा हबो, ये सेमी थिक आ स्मूथ हबो। सेति पई आकु बढ़िया भाव रे फेंटी दियंतु। भल भाव फेंटिला परे एबे सेथिरे 2-3 चम्मच तेल पकेबा। आपण चाहिले मेल्ट करिथिबा बटर भी यूज करि परिबे। तेल पकाई आमे बैटर को बढ़िया भाव मिक्स करि नबा। ये देखंतु बैटर केते बढ़िया ग्लॉसी देखा जाउची। एबे सेथिरे 4-5 ड्रॉप वैनिला एसेंस पकेबा। वैनिला एसेंस पकेले केक रे गोटे बढ़िया स्मेल आसीबो। ये सब जिनस को भी भल भाव मिक्स कला परे देखंतु बैटर केते बढ़िया स्मूथ हेची। ना बेसी मोटा ना बेसी पतला हेची, एमती ही रहिबो। एबे आमे बैटर रे प्रथम रु चॉप करके रखीथिबा काजू बादाम आउ पिस्ता पकेबा। केक को बेक करिया पे आमे कड़ाई को प्रीहीट करिबा। प्रीहीट करिया पे कड़ाई रे प्रथम आमे लूनो बिछेबा। लूनो को आपण भल भाव लेयर करि नियंतु। लूनो को भल भाव लेयर कला परे कड़ाई को मीडियम फ्लेम रे कवर करी आमे 5-7 मिनिट पर्यंत ताकु प्रीहीट करिबा। एबे मझीरे गोटे स्टैंड रखिबा। एबे कवर करी कड़ाई को आमे प्रीहीट करिया को छाड़ी नबा। एपटे गोटे बेकिंग पैन रे आमे अल्प टिके तेल को भल भाव रे ग्रीस करी नबा। पैन रे आपण तेल को भल भाव रे लगांतु जेमती केक बेक हेला परे सेथिरे चिपकिबनी। बेकिंग पैन रे तेल लगेला परे केक को बेक करिया जस्ट पूर्वरु आमे बैटर रे गोटे पाउच इनो पकेबा। ए इनो को आपण जस्ट बेक करिया पूर्वरु पकांतु, आगरु पकांतुनी। इनो पाउडर पकेला परे केक रो बैटर को भल भाव रे फेंटी नियंतु। ये देखंतु ये केते बढ़िया भाव रे फ्लफी हे गला। आपण याकु बेक करिया पूर्वरु ही पकांतु। बैटर एंती फ्लफी हबो। एबे ए फ्लफी बैटर को आमे तेल लगेथिबा बेकिंग पैन रे पोर करि नबा। आपण ऊपर सब बेले गोटे इंच छाड़ंतु जगह जेमती केक बेक हेला परे ताकु फुलिया पे जगह मिलिबो। आकु एबे टिके टैप करि नबा सेथिरे कोनोसी एयर बबल्स थिले बाहरे जिवो। ऊपर एबे अल्प किछि कटा हेथिबा ड्राई फ्रूट्स को सजेई नबा। एबे ये बेक हवा पे रेडी अछि। एपटे 5-7 मिनिट परे कड़ी एबे बढ़िया भाव गरम हो गलाणी। तार कभर काढ़ी की एबे बेकिंग पैन को स्टैंड ऊपर रखी तार कभर लगाई याकु एबे लो फ्लेम रे 15-20 मिनिट पर्यंत केक को आमे बेक करिबा। 15-20 मिनिट परे कभर काढ़ के देखिबा केक केते बढ़िया भाव रे बेक हेची। ये देखंतु केक केते बढ़िया भाव रे बेक हेची। चेक करिया पे आपण गोटे टूथपिक रे मझीरे पसई देखंतु ये केते बढ़िया भाव रे क्लीन हे कि बाहरुची। जदि आपणकर क्लीन बाहरुनी आपण ताले आउ 5 मिनिट तक बेक करि परंती। एबे आमर केक बेक हे कि पूरा पूरी रेडी अछि।
ଏବେ ଗରମ କେକ୍କୁ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦେବା। ତାକୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିନେବା। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ କେକ୍ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଗୋଟେ ଚାକୁରେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଚାରିପଟୁ ତାକୁ ଡିମୋଲ୍ଟ କରିବା। ଏମିତି କାଟି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଏବେ ତାକୁ ଆମେ କାଢ଼ି ନେବା। ଏବେ ତାକୁ ଟିକେ ଟ୍ୟାପ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେକ୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବାହାରିଗଲା, କେତେ ସଫ୍ଟ ହୋଇଛି। ଗୋଟେ ପିସ୍ କାଟିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କେତେ ସଫ୍ଟ ଆଉ ମଏଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏବେ ଏଇ ଚକୋଲେଟ୍ କେକ୍ର ପିସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସଫ୍ଟ ଆଉ ମଏଷ୍ଟ ଅଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଉପରୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଚକୋଲେଟ୍ ସସ୍ ପକାଇବା। ଚକୋଲେଟ୍ ସସ୍ ସହିତ ଚକୋଲେଟ୍ କେକ୍ର ଟେଷ୍ଟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ। ତା ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ କାଜୁ ବାଦାମକୁ ଗାର୍ନିଶ୍ କରିବା। ଏହାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଖାଇକି ଦେଖୁଛି, ଇଏ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ବନିଛି। ଆପଣ ଏହାକୁ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ବନେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏଇ ସିମ୍ପଲ୍ ଆଉ କ୍ୱିକ୍ ଚକୋଲେଟ୍ କେକ୍ ବନାଇ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଆଉ ଏହି ରେସିପି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।